ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने स्टडी किया कि व्हाट इज द रैंकाइन साइकिल, व्हाट इज द नीड ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल. तो उस मॉडिफिकेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल में हम लोगों ने रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल के बारे में बात करी थी और उसका TS एंड HS डायग्राम हमने बनाना सीखा था कि कैसे आइडियल एंड एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल का TS एंड HS डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि कैसे है ना ब्लीडिंग जो स्टीम है उस ब्लीडिंग स्टीम को कैलकुलेट कर सकते हैं. और इस आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में हम लोगों ने मल्टीपल ऑप्शंस देखे, जहां पर हम लोगों ने बात करी किसके बारे में. हमने बात करी एक फर्स्ट हमने बात करी किसकी हमने बात करा जहाँ पर हम लोगों ने ओपन फीड हीटर लगाया. सेकेंड हमने बात करा जहाँ पर हम क्लोज फीड हीटर लगाए. अब हम लोग है ना बात कर रहे हैं कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स की जिन अरेंजमेंट्स के अंदर हम लोग इसमें थोड़े थोड़े चेंज करते हैं. तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट है कि सबसे फर्स्ट है इसके अंदर कि फीड हीटिंग सिस्टम विद हेडिंग डालो फीड हीटिंग सिस्टम विद वन ड्रेन पंप. फीड हीटिंग सिस्टम फीड हीटिंग सिस्टम विद वन ड्रेन पंप. अभी तक हम लोगों ने जितनी स्टडी करी थी उसके अंदर हम लोग है ना हर एक फीड हीटर के पास में क्या लगा रहे थे, एक फीड पंप लगा रहे थे. हम है ना हर एक फीड हीटर के साथ में क्या लगाए थे, एक ड्रेन पंप लगाए थे, जो कि क्या कर रहा था फीड हीटर्स में से. देखो यहाँ पर देखते हैं इसको ऊपर जो हमने पहले डायग्राम बनाया था उनके अंदर. देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, सब जगह एक एक फीड हीटर लगाया है. यहाँ पर देखो यहाँ पर एक फीड पंप लगाया है, ये ड्रेन 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 पंप लगाया है. ये ड्रेन पंप क्या कर रहा है, हमारा जो फीड हीटर है इस फीड हीटर में से जो भी ड्रेन हो रहा है उसको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है. और फिर क्या कर रहा है, मिक्सिंग कर रहा है किसके साथ में, हमारी चैनल्स के साथ में, या फिर जो हमारी ट्यूब्स हैं या फिर जो हमारे पाइप्स हैं उन पाइप्स के साथ में इनको मिक्स कर रहा है. बट बेसिकली व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं कि इतने सारे फीड हीटर्स का यूज, इतने सारे ड्रेन पंप का यूज ना करके हम एक ऐसा सिस्टम यूज करें जिसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ड्रेन पंप का यूज करें. फॉर दिस टाइप ऑफ द फीड सिस्टम हम लोगों ने एक कंसिडरेशन लिया है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली वन ड्रेन पंप का यूज कर रहे हैं. तो व्हेनेवर वी हैव ओनली द वन टाइप ऑफ द ड्रेन पंप देन वी हैव टू यूज द स्टीम ट्रैप. हमको किसका यूज करना पड़ेगा, स्टीम ट्रैप का यूज करना होगा. सो यूजिंग फॉर दिस स्टीम ट्रैप, आओ इसके साइकिल को समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास में एक बॉयलर है, ठीक है. बॉयलर से हमारे पास क्या जनरेट होगी, स्टीम जनरेट होगी बाय द बॉइलिंग ऑफ द वॉटर. ये जो हमारे पास स्टीम जनरेट हुई है, स्टीम को हम लोग कहाँ भेजते हैं, एक टर्बाइन के अंदर भेजते हैं. ये टर्बाइन Let's suppose this is a turbine, और ये turbine के अंदर हमारे पास जो steam आई है किसी stage zero पे ये enter हो गई. और मैंने ये suppose किया है कि मैंने कितनी kg steam भेजी है, मैंने 1 kg of steam generate करी है और ये 1 kg of steam हम इस turbine के अंदर enter कर रहे हैं. Same concept, zero से लेकर 1 तक हमारी steam turbine क्या हुई, expand हुई. और इस 1 पर हम लोगों ने कुछ M1 amount of steam बाहर निकाल दी at the enthalpy H1. ये किसके अंदर जा रही है, हमारे एक feed heater के अंदर जा रही है. और ये feed heater जो है ये किस type का हम लोग use कर रहे हैं, ये feed heater हम लोग use कर रहे हैं indirect type का. Similarly फिर इस stage 1 से, this stage 1 से लेकर 2 तक हमारे पास क्या हुआ, steam का फिर expansion हुआ. और steam expand होके कहाँ गई, वापस से हम लोगों ने कुछ amount of steam हमने यहाँ से बाहर निकाल ली. Let's suppose कि that amount of steam is M2 and that enthalpy is S2. मैंने same case करा किसके साथ में, 3 के साथ में. same case किया मैंने point number 4 पे कि 3 पे हम लोगों ने क्या करा, कुछ amount of steam हमने बाहर निकाला, बाहर निकाल के हम लोगों ने यहाँ पर use किया. 4 पे हम लोगों ने बाहर निकाला, 4 पे बाहर निकाल के हम लोगों ने यहाँ use किया. और इसको थोड़ा सा extend कर देता हूँ ताकि मुझे बनाने में easy रहे. यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर 5 पर एक कंडेंसर लगा दिया जिससे कि स्टीम क्या कर रही है, हमारी बाहर निकल रही है.
और इस कंडेंस स्टीम को हम लोग क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। ये वाला जो पंप होता है ना बच्चों, ये वाला पंप एज अ कंसीडर नहीं होता है ड्रेन पंप की जैसे, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडेंस स्टीम है उसको क्या कर रहा है, उसको पंप करने का काम कर रहा है, ठीक है? फिर यहाँ से जो भी हमारे पास में वाटर बाहर निकल रहा है, उस वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन फीड हीटर्स के थ्रू पास करवा रहे हैं। ये बीच में मैंने एक सर्किल बनाया है, यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, एक पंप लगा रहा हूँ। इस पंप को हम लोग बोलते हैं बॉयलर फीड पंप। ये जो बीच में एक सर्कल बनाया है ना, इस सर्कल पे हमने एक पंप कंसीडर किया है और इस पंप को हम लोग बोलते हैं बॉयलर फीड पंप। देखो एज अ डिजाइन, व्हेन वी डिजाइन द स्टीम पावर प्लांट, तो ये बॉयलर फीड पंप हमारे लिए काफी नेसेसिटी होता है कि कहाँ हमको इसे लगाना है, बिकॉज जो हीटर इसे फॉलो करता है, इट मस्ट बी डिजाइन फॉर द वेरी हाई प्रेशर। समझना बीएफपी के लिए, कि बीएफपी को जो भी हीटर फॉलो कर रहा है, लाइक हमारा भी फीड हीटर ट्यूब जो है वो क्या कर रहा है, बीएफपी को फॉलो कर रहा है। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत हाई प्रेशर पे जनरेट बनाते हैं, बिकॉज और इसका जो प्लेसमेंट है बीएफपी का, ये भी काफी क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, बिकॉज इट शुड बी प्लेस एट अ कन्वीनियंट पॉइंट इन द फीड सिस्टम, सो दैट देर इज नो रिस्क ऑफ इवेपोरेशन ऑफ फीड वाटर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द पंपिंग एक्शन। ठीक है, आप बोले सर आपने ये चीज तो समझा दिया, मगर अभी अब मेन कॉन्सेप्ट अभी निकल के ही नहीं आया कि सर कैसे हम लोग वन ड्रेन पंप का यूज करेंगे, तो समझो वो वन ड्रेन पंप का क्या कॉन्सेप्ट है। यहां से हम लोगों ने कितनी स्टीम बाहर निकाली, हम लोगों ने यहाँ से M3 स्टीम बाहर निकाल दी एज द एंथैल्पी S3, यहाँ पर हम लोगों ने M4 स्टीम बाहर निकाल दी एज द एंथैल्पी H4। इस पॉइंट पे आएगी हमारे पास में कितनी, 1 माइनस समेशन ऑफ m, दैट इज द m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एट द एंथैल्पी H5। लेट सपोज दिस इज द पॉइंट नंबर 6 जहाँ पर ये कंडेंस हो चुकी है, यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 माइनस समेशन ऑफ m जिसकी एंथैल्पी कितनी है, HF5। ठीक है, पंप हुआ, पंप होके हमारे पास में फीड हीटर के अंदर गए। जब हम लोग यूज करते हैं किसका, वन ड्रेन पंप का, व्हेन वी आर यूजिंग द वन ड्रेन पंप, तो वो ड्रेन पंप हमारे सबसे लास्ट फीड हीटर में लगा होता है, बिकॉज जो वहां पर स्टीम जा रही है वो कैसी होती है, समटाइम इट इज सैचुरेटेड, समटाइम इट इज लिक्विड। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसको लास्ट फीड हीटर के अंदर, मतलब ये जो हमारा लास्ट फीड हीटर है, ये जो हमारा लास्ट फीड हीटर है, इस लास्ट फीड हीटर पे हम लोग क्या लगाएंगे, ड्रेन पंप लगाएंगे। और इससे पहले वाले जितने भी फीड हीटर्स हैं, उन फीड हीटर्स पे हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, उन फीड हीटर्स पे हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे पास में स्टीम ट्रैप का। अब देखो स्टीम ट्रैप का काम क्या होता है, अभी तक हम लोग है ना स्टीम क्या कर रहे थे, जो आगे वाला फीड हीटर था उसको भेज रहे थे, बट स्टीम ट्रैप क्या करता है, यहाँ से स्टीम निकालेगा, यहाँ से स्टीम ट्रैप है, यहाँ से इसके ऊपर इसमें भेज देगा। हमने कितनी स्टीम भेजी है, हम लोगों ने M1 H1 स्टीम भेजी है, यहाँ से कितनी स्टीम बाहर निकलेगी, M1 स्टीम बाहर निकलेगी इसके सैचुरेशन लिक्विड पॉइंट पे, दैट इज द HF1 पे। अब फीड हीटर 2 की बात करते हैं, इस फीड हीटर 2 के अंदर हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ स्टीम हो गया, M2 तो यहाँ से आया, M1 यहाँ से गया, तो बाहर कितना निकलेगा, M1 प्लस M2, बाहर कितना निकलेगा, M1 प्लस M2। और इसको किस एंथैल्पी पे बाहर निकल रहा है, लेट सपोज कि उसकी एंथैल्पी कितनी है, HF2। और ये वापस से हमने यहाँ पर क्या लगाया, एक फीड हीटर लगाया, और फीड हीटर लगा के हम लोगों ने कहाँ भेज दिया है इसे, हमने भेज दिया हमारे थर्ड फीड हीटर के पास में। थर्ड फीड हीटर से ये सारी की सारी चीजें फोर्थ में जानी चाहिए, मगर हम लोग फोर्थ में नहीं भेज के इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मिक्सिंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको भेज देते हैं। चलो यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, इसको भेज दिया, बीच में क्या लगा देते हैं, एक फीड हीटर लगाते हैं। जितना भी ये स्क्वायर बनाया हुआ है ना मैंने, ये क्या है, हमारा फीड हीटर है, सॉरी इट्स नॉट अ फीड हीटर, इट इज अ स्टीम ट्रैप, ठीक है? जो कि क्या करता है, हमारे कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेट मटेरियल को, कंडेंसेट एंड नॉन कंडेंसेट मटेरियल को मिक्स होने से रोकता है, कि ये ना मिक्सिंग नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, दिस इज अ स्टीम ट्रैप। ओके, अब देखो फोर्थ वाले फीड हीटर के साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फोर्थ वाले फीड हीटर के अंदर है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ड्रेनेज पंप यूज कर रहे हैं, कि जितना भी कंडेंसेट इसके अंदर इकट्ठा हुआ उस सबको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर
ड्रेन कर देंगे, पंप कर देंगे, अंदर निकाल देंगे, कितना बाहर आएगा यहाँ से, है ना, इसके अंदर एंटर करा कितना, M1 + M2, नीचे लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से हमारे पास कितना गया, M1 + M2 + M3, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ स्टीम हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर एंटर कर गया है। तो इसमें से बाहर कितना निकलेगा फोर्थ वाले फीड हीटर में से, वन केजी M1 + M2 + M3 + M4। M1 + M2 + M3 + M4, करेक्ट। इससे फोर्थ से हम लोगों ने कितना बाहर निकाल दिया, हम लोगों ने बाहर निकाल दिया M1 + M2 + M3 + M4, ठीक है। ये M1 + M2 + M3 + M4 बाहर निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। और मैंने कहा था जब ये मिक्सिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर की साइड में मिक्स करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर मिक्स कर रहा हूँ और यहाँ पर टच ना हो इसलिए एक सिंबल यूज करते हैं इस टाइप का, ये लो, ये रेड कलर से इसको शो कर दिया, ठीक है। ये जब भी ऐसे इस सिंबल को यूज करते हैं मतलब ये क्या कर रहा है, उस टाइप के वायर को क्या करने की कोशिश कर रहा है, बाईपास कर रहा है। अब देखो यहाँ से कितनी स्टीम आ रही थी, 1 - summation of m स्टीम आ रही थी, यहाँ से कितनी स्टीम आ रही थी, 1 - summation of m स्टीम आ रही थी। यहाँ से इसके साथ में कितना मिक्सिंग हो गया, M1 + M2 + M3 + M4 मिक्सिंग हो गया। इसके अंदर कितना गया, फीड हीटर थ्री के अंदर, फीड हीटर थ्री में कितना गया, वन केजी 1 kg। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि हमारे फीड हीटर थ्री में कितने स्टीम जा रही है, 1 kg ऑफ स्टीम हमारी फीड हीटर थ्री में जा रही है, ठीक है। तो फीड हीटर थ्री के अंदर 1 kg स्टीम गई है, तो हमने कहा कि यहाँ पर 1 kg स्टीम एंटर हुई और यही स्टीम जो है हमारे पास थ्रू आउट फ्लो हो रही है 1 kg। इसके बाद में कहीं हमने मिक्सिंग करी नहीं है, तो लास्ट तक यहाँ पर भी 1 kg है, यहाँ भी 1 kg है, ठीक है, और यहाँ से जब बाहर निकली यहाँ भी 1 kg है। बस इनकी क्या चेंज होती जा रही है, इनकी इंथैल्पी चेंज होती जा रही है। यहाँ पर एंटर कर रही थी HF3 पर, यहाँ पर से जब बाहर निकली तो यहाँ पर इंथैल्पी हो गई HF4, यहाँ पर जो 1 kg थी उसकी इंथैल्पी थी कितनी HF3, यहाँ पर जो इंथैल्पी थी उसकी थी HF2, और यहाँ पर इंथैल्पी कितनी है HF1, जो कि कहाँ पर भेज दिया हम लोगों ने, बॉयलर के अंदर भेज दिया। सिस्टम समझ में आया, सिस्टम समझ में आया। हम लोगों ने सिर्फ सिंगल ड्रेन पंप का यूज किया है, हम लोगों ने सिर्फ सिंगल ड्रेन पंप का यूज किया है, और साथ में हम लोगों ने क्या लगा दिए हैं, 3 फीड हीटर्स लगा दिए हैं। इसकी एफिशिएंसी निकालने का तरीका सेम, कि हीट एडिशन कितना हो रहा है हमारे पास में, यहाँ पर एंथैल्पी कितनी है H0, तो एडिशन कितना हो रहा है H0 - HF1, ठीक है। रिजेक्शन कितना हो रहा है, 1 - summation m H5 - HF5, तो इन दोनों के डिफरेंस से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। चेंज कहाँ पर आएगा, चेंज कहां पर आएगा, इसमें चेंज जनरेट होगा इसकी M1, M2, M3 एंड M4 की वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। इसमें चेंज जनरेट होगा कहां पर, M1, M2, M3 एंड M4 की वैल्यूज के ऊपर। आओ इन M1, M2, M3, M4 के बारे में बात करें। इक्वेशन लिखे हुए सब लोग, फॉर द फीड हीटर 1 इक्वेशन बोलो, कितनी एनर्जी इनपुट कर रही है, कितनी एनर्जी बाहर जा रही है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द फीड हीटर 1? M1 H1 हाँ इज इक्वल्स टू 1 × HF1। अरे नहीं, चलो बात करते हैं फीड हीटर 1 के बारे में। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ सेकंड, कुछ ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द फीड हीटर 1। तो फीड हीटर 1 के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो फीड हीटर 1 के अंदर देखो एंटर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है M1 H1 एंटर कर रहा है, ये HF2 भी तो आ रहा है, HF2 भी तो आ रहा है, तो प्लस HF2,
वन केजी आ रहा है इसलिए मैंने वन से मल्टीप्लाई नहीं करा, इससे लीव कितना कर रहा है, द अमाउंट विच इज लीविंग इज एम वन एच एफ वन लीव कर रहा है एक, और एक एच एफ वन लीव कर रहा है, हाईलाइट करता हूं, देखो ये एंटर कर रहा है एम वन एच वन, एंटर कर रहा है एम वन एच वन, एंटर कर रहा है ये, ठीक है एम वन, ये एच एफ टू। जब लीव की बात करें तो एक तो लीव कर रहा है ये एच एफ वन, और सेकंड में लीव कर रहा है ये एम वन एच एफ वन, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन सामने आ गई, एम वन एच वन प्लस एच एफ टू इज इक्वल टू एम वन एच एफ वन प्लस एच एफ वन। अगर यहां से हम लोग एम वन की वैल्यू को फाइंड आउट करें, द वैल्यू ऑफ एम वन इज, द वैल्यू ऑफ एम वन इज एच एफ वन माइनस एच एफ टू अपॉन एच वन माइनस एच एफ वन। फ्री हीटर टू के लिए इक्वेशन बोलो, फ्री हीटर टू के लिए इक्वेशन बताएं, एम टू एच टू, एम टू एच टू प्लस एच एफ थ्री, प्लस एच एफ थ्री इज इक्वल्स टू, नहीं अभी देखो यहाँ से M1 HF1 जो ये निकला हुआ है ये किसके अंदर एंटर कर रहा है, ये फ्री हीटर टू के अंदर एंटर कर रहा है, तो एंटर करने वाली वैल्यूज और इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। ये M1 HF1 भी जाके कहाँ एंटर हो रहा है, हमारे फ्री हीटर टू के अंदर एंटर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस M1 HF1 भी इसके अंदर एंटर हो रहा है। अब लीव के बारे में बात करते हैं, समझ गए, एक इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं अपन अलग से, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भाई अंदर जो एंटर होने वाली वैल्यूज है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर आगे बताओ लीविंग कितनी हो रही है सर, HF2 into M1 plus M2, HF2 into M1 plus M2, और plus HF2, plus HF2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, M2 की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M2, दैट्स फॉर यू। सिमिलरली इक्वेशन लिखते हैं ना फ्री हीटर थ्री के लिए, फॉर फ्री हीटर थ्री, यस प्रिया व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द फ्री हीटर थ्री, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द फ्री हीटर थ्री, रूपांशु बोल नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही है, कुणाल सर एम थ्री एच थ्री, एम थ्री एच थ्री, एच थ्री प्लस प्लस एच एफ फोर, एच एफ फोर प्लस प्लस एच एफ टू, एच एफ टू एम वन प्लस एम, एम वन प्लस एम टू, हाँ ठीक है, एम वन प्लस एम टू एच एफ टू इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू एच एफ थ्री, एच एफ थ्री प्लस प्लस एम वन टू प्लस एम थ्री एट द एंथैल्पी एच एफ थ्री, ठीक है। थोड़ी सी सिस्टम में चेंजेस होंगे किसके अंदर, फ्री हीटर फोर के लिए, यूजिंग द इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम थ्री, ठीक है। ये आप लोगों के लिए वर्क है कि एम टू एम थ्री की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। फ्री हीटर फोर के लिए इक्वेशन में बता देता हूँ, फोर फीड हीटर फोर, फॉर द फीड हीटर फोर बताओ, फॉर द फीड हीटर फोर इक्वेशन बताओ सर, एच फोर एम फोर, एच फोर एम फोर प्लस प्लस वन माइनस समेशन एम, वन माइनस समेशन एम एट एच एफ फाइव,
एट एच एफ फाइव प्लस प्लस एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एट एच एफ थ्री एट एच एफ थ्री इक्वल्स टू वन वन इंटू एच फोर एफ फोर हाँ ओनली एच एफ फोर ना इक्वल्स टू एच एफ फोर ठीक है बस यहाँ पर और कुछ है ना इसके अंदर लीव नहीं कर रहा है ओके सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम फोर हियर सो ये फर्स्ट सिस्टम हुआ ठीक है ये फर्स्ट सिस्टम हुआ सिमिलरली हम लोग इको सिस्टम यूज करते हैं जहां पर हम लोग वन ड्रेन पंप यूज करेंगे और एक वन ड्रेन कूलर यूज करेंगे अच्छा जिसने नहीं लिखा है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि अपन आगे प्रोसीड करें थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि क्लियर विजिबल हो जाएगा ओके इट्स नाउ क्लियर विजिबल सारी इक्वेशंस आ गई हैं स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे प्रोसीड करते हैं सर हाँ बच्चे सर ये जो समेशन वन माइनस समेशन एम है इसमें एचएफ सिक्स होगा ना एचएफ सिक्स नहीं होगा बट ये एचएफ फाइव ही है ये जो यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जूम कर रहा हूँ मैं ना ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है ना अपन ने This is the value. अच्छा सर HF5 के पास है हाँ वो जो वैल्यू है ना ये वाली वैल्यू ये जो है ये HF5 ही है तो ये एंटर कितना कर रहा है HF5 क्यों यूज कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 पर ये कैसी थी स्टीम हमारे पास में थोड़ी सी हीटअप थी कंडेंस कर दिया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो हम इसमें किसका यूज कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं HF5 का ठीक है हम लोग यूज करेंगे इसका एच एफ फाइव का क्लियर है बच्चों यस सर चलो नेक्स्ट टाइप का हीटर देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप में ना हमारे पास जो टाइप है दैट इज द वन ड्रेन पंप एंड वन ड्रेन कूलर जल्दी से इसकी देना वर्किंग को समझते हैं ताकि हम इसको क्या करें बाद में अब हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है एक ऐसे फीड हीटिंग सिस्टम ले रहे हैं फीड हीटर्स कैसे ले रहे हैं जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं एक ड्रेन पंप यूज कर रहे हैं और एक ड्रेन कूलर यूज कर रहे हैं और सर ड्रेन कूलर क्या है ड्रेन कूलर इज वर्किंग लाइक ए हीट एक्सचेंजर जो कि हमारे ना स्टीम को क्या करने का काम करता है लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है अब देखो कैसे सिस्टम जनरेट हो रहा है वही फोर फीड हीटर्स हम लोग यूज करते हैं और फोर फीड हीटर्स के साथ में हम लोग इसको यूज करते हैं ना ये हमारे पास में सबसे पहले बॉयलर इस बॉयलर से हमारे पास स्टीम निकली और कहां पर भेज दी हम लोगों ने टर्बाइन के अंदर ठीक है इस टर्बाइन पे हम लोग क्या करेंगे अलग अलग स्टेज पे स्टीम बाहर निकालने वाले ना या एंटर हुआ स्टेज नंबर जीरो पे लेट सपोज की स्टीम कितनी थी वन केजी थी जीरो से लेके वन तक एक्सपेंड हुई देखो ये स्टीम बाहर निकालने का तरीका सेम कि हम लोग क्या करेंगे अलग अलग अमाउंट्स पे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर क्या करेंगे स्टीम बाहर निकालेंगे फ्रैक्शन अमाउंट के अंदर एम वन एम टू एम थ्री चेंजेस कहाँ आएंगे चेंजेस आएंगे हमारे इस फीड हीटर के सिस्टम की वर्किंग के ऊपर तो मैंने वन पे बाहर निकाला मैंने टू पे बाहर निकाला फिर इसके बाद में हम लोगों ने थ्री पे बाहर निकाला फिर हमने फोर पे बाहर निकाला बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं एक ड्रेन कूलर का भी यूज कर रहे हैं तो ये ड्रेन कूलर की बेसिकली वर्किंग कहाँ पर आएगी ड्रेन कूलर की वर्किंग आएगी इस कंडेंसेशन के बाद में ये कंडेंस किया यहाँ पर हमारे पास में क्या लगा हुआ है एक मोटर लगी हुई है अब इस मोटर से डायरेक्टली वाटर हम लोग कहाँ नहीं भेज रहे हैं हमारे फीड हीटर के अंदर नहीं भेज कर हम लोग बीच में एक ड्रेन कूलर यूज कर रहे हैं दिस ड्रेन कूलर इज वर्किंग लाइक अ हीट एक्सचेंजर ये किसकी जैसे वर्क कर रहा है एक हीट एक्सचेंजर की जैसे वर्क कर रहा है जो कि क्या करेगा हीट को ट्रांसफर करने का काम करेगा ये हीट को ट्रांसफर कैसे करते हैं देखते हैं आ जाओ बताओ डायरेक्ट बनाया है इनडायरेक्ट बनाया है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट करेक्ट है ठीक है M1H1
यहाँ से एम वन एच वन बाहर निकला और यहाँ पर इसको हमने कंडेंस कर दिया, कंडेंस करने के बाद में एम वन एच एफ वन बाहर निकला, जिसको कि स्टीम ट्रैप के थ्रू हमने कहाँ भेज दिया है, फीड हीटर टू के अंदर भेज दिया है। ठीक है, फीड हीटर टू के अंदर हमने एम टू स्टीम एंटर करी इट द एंथैल्पी एस टू, यहाँ से हमने कितनी बाहर निकाली, एम वन प्लस एम टू स्टीम बाहर निकाली इट द एंथैल्पी एच एफ टू, और स्टीम ट्रैप लगा के हमने कहाँ भेज दिया, फीड हीटर थ्री के अंदर भेज दिया। तो इस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ड्रेन पंप लगा रहे हैं ना, वो ड्रेन पंप फीड हीटर फोर पे लगाने की जगह हम लोगों ने इस ड्रेन पंप को अप्लाई कर दिया इसी फीड हीटर थ्री के अंदर। यहाँ पर फीड हीटर लगाया और फीड हीटर लगाने के बाद में इस फीड हीटिंग टर्म को जो भी कंडेंस हो रहा था हमारे पास, यहाँ से इसको कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद में यहाँ मिक्स कर दिया। बोले सर अब आगे क्या करोगे, ठीक है आगे क्या करोगे, आगे यूज करेंगे इस ड्रेन कूलर का। ये ड्रेन कूलर क्या काम करता है समझो, आगे यूज करने वाले हम किसका, इस ड्रेन कूलर का। अब ये ड्रेन कूलर क्या कह रहा है, जितनी भी स्टीम हमारे पास यहाँ से निकल के आ रही है उस पूरी स्टीम को कंडेंस करो, मतलब यहाँ से जो यहाँ पर तो एम थ्री एच थ्री निकली, यहाँ से कितनी निकाल दी हम लोगों ने, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, और इसको हमने मिक्स कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये जो M4H4 बाहर निकल रही थी, इस M4H4 को हमने कंडेंस किया इस लिक्विड टेम्परेचर पे HF4 पे। यहाँ से कितनी आ रही थी हमारे पास में, 1 माइनस समेशन ऑफ M आ रही थी, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ H5। इसको यहाँ पर HF5 पे कन्वर्ट हो, उससे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर से जितनी एनर्जी आ रही थी इसको भेजा हीट एक्सचेंजर के पास में। अच्छा ये बताओ HF4 ज्यादा होगी या HF5 ज्यादा होगी, वैल्यू ऑफ HF4 ज्यादा होगी HF5 की वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियसली HF4 ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर इसको क्या मिला हुआ है, हमारे पास हीटिंग मिली हुई है। तो ये जो HF4 है इस HF5 को क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करवाएगा और खुद क्या हो जाएगा, इसके टेम्परेचर पे, ठीक है इसके टेम्परेचर पे कंडेंस हो जाएगा HF5 पे, ये क्या हो जाएगा कंडेंस हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर मिक्स कर देते हैं कंडेंसर के अंदर। मतलब जो 1 माइनस समेशन m आ रही थी, यहां पर कितनी मिलेगी मुझे, 1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3, कितनी मिलेगी मुझे, 1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3। ये 1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 यहां से एंटर कर रही है, बट इसकी एंथैल्पी अब HF5 नहीं होके चेंज होके कितनी हो गई, HF6 हो गई है। ये कंडेंस कर रही है बट इसकी एंथैल्पी कितनी हो गई है, HF6 हो गई है। जब ये बाहर निकला यहां से, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी थी कितनी, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ इसकी एनर्जी, 1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 था, बट इसकी एनर्जी कितनी थी, HF4। इसकी एनर्जी कितनी है यहाँ पर, HF4। अब देखो यहाँ से m1 प्लस m2 प्लस m3 मिक्स हुआ, यहाँ पर वापस जनरेट हो गया कितना हो गया, 1 kg। कितना आ रहा था, 1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 आ रहा था। थर्ड फीड हीटर के अंदर क्या मिक्स हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 मिक्स हो गया, वैल्यू हो गई 1 kg एट द एंथैल्पी HF3। यहाँ पर वैल्यू हो गई कितनी, HF2 है कितना, वही 1 kg, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 1 kg, और एंथैल्पी कितनी है, HF1। क्लियर है सिस्टम? यस सर। बट जब हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस लिखेंगे तो उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये HF6 की वैल्यू निकालना कंपनसेशन हो जाएगा, कि HF6 की वैल्यू हम स्टीम टेबल से नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए हमको किसका यूज करना होगा, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इक्वेशंस का। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फीड हीटर्स के लिए इक्वेशन सेम है, मुझे इस ड्रेन कूलर के लिए इक्वेशन लिख के बता दो, दिस इज द ड्रेन कूलर। दिस इज द ड्रेन कूलर, इस ड्रेन कूलर के लिए इक्वेशन लिख के बता दो। अगेन क्लियर कर देता हूँ बात को, कि हमने जब है ना ड्रेन कूलर यूज किया है, तो इस ड्रेन कूलर के अंदर क्या कर रहे हैं हम, जो हमारे पास फीड हीटर आ रहा है उस फीड हीटर को प्री हीट कर रहे हैं। ठीक है, ये HF4 अपनी एनर्जी किसको देगा, हमारे ड्रेन कूलर को प्रोवाइड करवाएगा, और ड्रेन कूलर से जो रीजनरेटिव फीड हीटर आ रहा है, हमारा जो फीड हीटिंग वाटर आ रहा है, ये फीड हीटिंग वाटर क्या करेगा, इसकी एंथैल्पी इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, HF6, और ये HF4 कंडेंस हो जाएगा किसके ऊपर, कंडेंसेड टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज द HF5। ठीक है, और उस HF5 से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो माय क्वेश्चन इज,
लेट्स राइट द इक्वेशन फॉर द ड्रेन कूलर. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए सेम है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के लिए सेम है, फोर्थ के लिए चेंज होगी और ड्रेन कूलर के लिए चेंज होगी. तो इक्वेशन फॉर द ड्रेन कूलर, ड्रेन कूलर में देखो क्या क्या एंटर कर रहा है. वन माइनस एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंटर कर रहा है. किस एंथैल्पी के ऊपर? एच एफ पाइप पर एंटर कर रहा है. ठीक है, एक एंटर कर रहा है इसके अंदर एम फोर एच एफ फोर एंटर कर रहा है, कर रहा है ना. और इससे लीव क्या कर रहा है? इससे लीव कर रही है वैल्यू, एक तो हमारे पास में वन माइनस एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एच एफ सिक्स पर, प्लस हमारे पास एम फोर बाहर जा रहा है एट द एंथैल्पी एच एफ फाइव पर. ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन हो गई? हमारे पास ड्रेन कूलर की इक्वेशन हो गई. क्लियर है इतना सा? यस सर. ठीक है, ये क्लियर है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं. यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? एच एफ सिक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. मैंने एम वन एम टू एम थ्री एम फोर की वैल्यू पर क्यों नहीं फोकस किया? क्योंकि वो एम वन एम टू एम थ्री एंड एम फोर की वैल्यूज किससे निकलेगी? हमारे इन फीड हीटर से निकलेंगी, जो हमारा फीड हीटर वन, फीड हीटर टू, फीड हीटर थ्री और फीड हीटर फोर, इनके लिए जो इक्वेशंस लिखेंगे उनके लिए वैल्यूज निकल के आएंगी. ये जो दोनों अरेंजमेंट मैंने आपको समझाया है ना, ये इसलिए समझाया है क्योंकि अब हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज आए, या चाहे ड्रेन कूलर लगाए चाहे हॉट वेल लगाए, हमको इक्वेशंस बनानी आ जाए. ठीक है, हॉट वेल के केस के अंदर क्या होगा? जैसे ये ड्रेन कूलर लगाया, इस ड्रेन कूलर की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे? कोई एक हॉट वेल लगा देंगे. यहाँ पर से क्या हो रहा है? हमारा रीजनरेटिव वाटर आ रहा है और फिर यहाँ से बाहर निकल के हमारे पास क्या चल जाएगा? बाहर चला जाएगा. तो ऐसे कितने भी सिस्टम हम लोग चेंज कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आप लोग, आपके पास स्टीम टेबल एंड मॉयलर चार्ट्स होंगे, वो लेके बैठे और साथ के साथ में अपने कैलसीज को साथ में लेके बैठे, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. क्लियर है? यस सर. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स एंड टुडेज क्लास.